कैमो एलईडी का सर्किट डीआर 16 लाख का, yes, sir. आप बताओ किस किस को समझ में आया? yes, sir. प्रैक्टिकली yes, sir. क्या बात है. और अभी हम पढ़ रहे हैं एमओ एलईडी का और लेटेस्ट सर्किट जो ए सीरीज एम सीरीज में आएगा, ये बॉल का कंसेप्ट. अगर मैं आपसे बात करूं बिना सर्किट डायग्राम के, ये आईसी कौन कौन ढूंढ लेगा? yes, sir. अगर सर्किट डायग्राम रहा तो ये कौन बता देगा कि एमओ एलईडी एक आईपीएस है? 4S से लेकर 6 और 6 प्लस तक. बोलो ये रखना है कि ये एंड्रॉइड जैसा नहीं है कि अगर मुझे टोशिबा की आईसी है, सैंडिस्क की आईसी है, ये खराब हो गई तो सैमसंग ही लगाऊंगा क्योंकि वो उसका हम प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते. यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है. दिमाग में रखना, अगर मेरे पास में आईफोन 5C आया और आईफोन 6 पड़ा है, मुझे आईफोन 6 बना रहा हूँ और उस पर मेरे को हार्ड डिस्क लगानी है, तो मैं आईफोन 5C से निकाल सकता हूँ क्योंकि उसका बीजी और इसका बीजी है. हार्ड डिस्क कहा जाता है, नैंड नहीं कहा जाता है. टेक्निकली ये सिर्फ और सिर्फ हार्ड डिस्क होती है. तो बहुत सारे टेक्नीशियन बोलते हैं यार हार्ड डिस्क पे काम आया, तो इसका मतलब समझो नैंड पे काम आया. हार्ड डिस्क दो प्रकार की होती है, एक नैंड जिसका फुल फॉर्म यहाँ लिखा हुआ है और एक पीसीआई जिसका फुल फॉर्म यहाँ लिखा हुआ है. सो बेसिकली जैसे आप देखो कि आपके कंप्यूटर में हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद की. जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर. मैं क्या दूंगा बोलो? ठीक है, तो ये SM3010 में भी कमांड की लाइन नहीं है. किसकी लाइन नहीं है? कमांड की लाइन नहीं है. सो हाय माय यूट्यूब एंड फेसबुक के बड़े लोगों, मेरा नाम है देवजन अग्रवाल. आप देख रहे हैं 28 सितंबर का अभी ये सबसे लास्ट बैच है और आखिरी दिन है. और मैं ये जानना चाहता हूँ कि कौन कौन आज भी जोश में है. पहले दिन yes, yes, क्या बात है. अभी आपको सवेरे मैंने एक एमओ एलईडी का सर्किट डीआर 16 लाख का, yes, आप बताओ किस किस को समझ में आया? प्रैक्टिकली yes, क्या बात है. और अभी हम पढ़ रहे हैं एमओ एलईडी का और लेटेस्ट सर्किट जो ए सीरीज एम सीरीज में आएगा, ये बॉल का कंसेप्ट. अगर मैं आपसे बात करूं बिना सर्किट डायग्राम के, ये आईसी कौन कौन ढूंढ लेगा? yes, sir. अगर सर्किट डायग्राम रहा तो ये कौन बता देगा कि एमओ एलईडी एक आईपीएस है? वेरी गुड. तो ये सारी चीजें कल ड्यूएल लेकर किस किस ने अटेंड किया? yes, सबने अटेंड किया. वेरी गुड. तो अब हम यहाँ पर आ जाते हैं और एमओ एलईडी के साथ में इसको हम पढ़ाते हैं. सो अभी हम एमओ एलईडी पढ़ाएंगे जो हमने इनको एज अ होमवर्क देंगे, और यही एमओ एलईडी का सर्किट ये अपने बिना देखकर मतलब से कोडिंग को देखकर बनाएंगे और फिर मुझे सेंड करेंगे. चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच. मैं आपसे
हार्ड डिस्क कहा जाता है, नैंड नहीं कहा जाता है। टेक्निकली ये सिर्फ और सिर्फ हार्ड डिस्क होती है। तो बहुत सारे टेक्नीशियन बोलते हैं यार हार्ड डिस्क पे काम आया, तो इसका मतलब समझो नैंड पे काम आया। हार्ड डिस्क दो प्रकार की होती है, एक नैंड जिसका फुल फॉर्म यहाँ लिखा हुआ है और एक पीसीआई जिसका फुल फॉर्म यहाँ लिखा हुआ है। सो बेसिकली जैसे आप देखो कि आपके कंप्यूटर में साटा हार्ड डिस्क आती थी, अब एसएसडी आ गई है। एसएसडी और साटा में क्या अंतर है आपके हिसाब से? बस स्पीड, देखा जाए तो स्पीड का अंतर है। तो और यहाँ पर सेम चीज स्पीड का ही अंतर है और साइज। एसएसडी को और बड़ा बनाया जा रहा है जितना हो सकता है। सो अगर आप मैटर करें नैंड से ज्यादा स्पीड किसकी होगी जल्दी बताओ, किसकी होगी? जिस भी फोन में कौन सी हार्ड डिस्क, पीसीआई, इसको बेसिकली पीसीआई पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बोलो? पीसीआई। अरे बैठ जा रहे कहीं पे यार, कोई जरूरत नहीं, बैठ जा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बस मेरे को और आधा घंटा बैठ जा। अगर तुम्हारे फोन में पीसीआई लगा है तो तुम्हारे फोन में एक तरह से आपका स्पीड वाला हार्ड डिस्क लगा है, मतलब अपग्रेड हार्ड डिस्क है, और नैंड लगा है तो पुराना है। सो बेसिकली नैंड केबल और केबल 4S से लेकर आईफोन 6 और 6 प्लस तक आया है। कहां तक बोलो? 6 और 6 प्लस। और जितना भी आईफोन 6S के बाद अब वो लगा रहे हैं 14 प्रो तक, वो सारी हार्ड डिस्क कौन सी है इसी बताओ? PCI, जिसको हम बोलते हैं, उसको NAND भी बोलते हैं। अब जैसे सर मेरा iPhone 7 है, NAND खराब हो गया है, तो ये मतलब नॉलेज नहीं, उसको PCI बोला। हाँ, उसको बोलते थे PCI। सर आप हार्ड डिस्क बोलो ना, सही नाम क्या है? सर मेरा हार्ड डिस्क का फॉल्ट है। अब हार्ड डिस्क का क्या फॉल्ट है मैं सब बताने वाला हूं। फोटो की तो यहाँ पर तो पहली फोटो ही होती है। So, hard disk यहाँ पे दो प्रकार की होगी, NAND और PCI। PCI आपकी 6S से लेकर सारे फोनों में आएगी 16 Pro तक, और NAND आएगी केवल 4S से लेकर 6 Plus तक, 6 और 6 Plus तक, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगला टॉपिक यहाँ पर आ जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि सर जैसे आपने BGA देखे थे, BGA आपके आए थे कौन कौन से, 254, 213, ये तीन BGA भी कॉमन है। अभी लेटेस्ट आ जाएगा जो सर ने बताया होगा। तो अगर हम बात देखें पर हार्ड डिस्क में भी BGA आते हैं, अब ध्यान दो इधर। सो हार्ड डिस्क में तीन BGA ही आए अब तक, और तीनों के बाद अभी तक कोई तीसरा आने का उम्मीद नहीं है। और इन तीन बीजों पर ही डिपेंड करता है कि आपको कौन सा बॉक्स परचेस करना है। क्योंकि आप नोटिस करो, आपने BGA जैसे जो आपका BGA 153 का एडप्टर है, क्या उसमें BGA 221 लग जाएगा क्या? मतलब आपको अलग एडप्टर चाहिए ना, बॉक्स भले ही एक हो पर वो बॉक्स भी एडप्टर को सपोर्ट करना चाहिए ना। अगर ये बॉक्स बोलता है कि मैं BGA 254 को सपोर्ट नहीं करूंगा, तो इसमें लगाने का कोई फर्क होगा क्या? नहीं होगा। तो इसलिए हमको अलग अलग बॉक्सेस परचेस करने पड़ते हैं, समय समय पर अपडेट होते हैं। तो उसको सरल तरीके से समझो, आप अगर बात करें आपके हार्ड डिस्क में, हमने देखा नैंड भी लग रही है और पीसीआई लग रही है 6S के ऊपर। तो अभी हम बात करेंगे, हम इसको हार्ड डिस्क बोलेंगे। ये हमने छोटी सी इंफॉर्मेशन ली थी। तीन आपकी BGA लग रही है यहाँ पर, एक लग रही है BGA 60, एक लग रही है BGA 70 और एक BGA लग रही है BGA 110। कौन सा बोलो? 110। पहला BGA बोलो, BGA 110, ध्यान देना। अब आपके फोन में जो BGA 60 है वो किस फोन को सपोर्ट करता है? तो हम यहाँ बात करेंगे, वो सपोर्ट करेगा 4S से लेकर 6 और 6 प्लस तक। बोलो, सब दिमाग में क्लियरिटी ये रखना है कि ये एंड्रॉइड जैसा नहीं है कि अगर मुझे टोशिबा की आईसी है, सैंडिस्क की आईसी है, ये खराब हो गई तो सैमसंग ही लगाऊंगा क्योंकि वो उसका प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, दिमाग में रखना। अगर मेरे पास में iPhone 5C आया और iPhone 6 पड़ा है, मुझे iPhone 6 बना रहा हूँ और उस पर मेरे को हार्ड डिस्क लगानी है, तो मैं iPhone 5C से निकाल सकता हूँ क्योंकि उसका BGA और इसका BGA उसमें कोई भी।
सर अभी तक कोई YouTube में नहीं बताया होगा। क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? सिको निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1। Y1 है जी। तो अभी आप इसका CPU निकालने वाले हैं?